Hello and welcome to all of you on my productive and industry-oriented training platform. So if you have SSL and TLS basic concepts, so अब question ये आता है कि इन certificates को implement कहाँ पर करना है. So the answer is very simple कि जब कभी भी हमारे पास web services की deployment होगी, so in that deployment for traffic encryption we will use SSL or TLS. अब जितने भी हमारे पास ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं जिसके अंदर दराज है या अली एक्सप्रेस है या बाकी की जो कंपनीज हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही होती हैं, सो इनको हमेशा एक टॉप लेवल की सिक्योरिटी रिक्वायर होती है. इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इन तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी वेबसाइट्स मौजूद होती हैं और उन वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के लिए जो फर्स्ट और रिकमेंडेड स्टेप है वो है हमारे पास द डिप्लॉयमेंट ऑफ SSL और TLS. सो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारे पास जो TLS है या जो SSL है ये बेसिकली तौर पर वेब ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करने का काम करता है. That's good. Now the second thing is कि ये web services की deployment के लिए हमने applications कौन सी use करनी हैं. So हमारे पास दो major platforms हैं. The first platform is Microsoft. So Microsoft के platform पर we are going to use internet information services. So ये वो application है जो web hosting का काम करती है. इसी तरीके से अगर हम ओपन सोर्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास सेंटोस है, डेबियन है या उबंटू के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर हमारे पास दो तरह के वेब सर्वर्स मौजूद है. द फर्स्ट वन इज अपाची एंड द सेकंड वन इज इंजनएक्स. इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट्स. आप अपाची को यूज करना चाहते हैं, इंजनएक्स को यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं. सो यहां पर भी हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए जो जो वेब होस्टिंग के लिए एप्लीकेशन यूज होगी दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड अपाची और इंजनएक्स. जब ये एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट को वहां पर होस्ट कर देते हैं तो नाउ फेज स्टार्ट होता है SSL की डिप्लॉयमेंट का. बिकॉज जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो इंटरनेट का ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, यानी हमारी एप्लीकेशन को इंटरनेट की फेसिंग मिल जाती है. अब इन दैट केस हमारे पास सिक्योरिटी हमें लाजमी चाहिए है ताकि जितने भी हैकर्स हैं, इंट्रूडर्स हैं या बाकी तरह के जो अटैक्स हैं उनको हम डिफेंस उनको हम जो है अपने पास आने से रोक सकें या उनके हवाले से हम अपने तमाम के तमाम जितने भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो ले सकें. सो फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू डिप्लॉय SSL सर्टिफिकेट्स. सो ये चीज भी हमने समझ ली है. नाउ अब तीसरा फेज आ जाता है कि इसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह से करनी है. सो जब हम डिप्लॉयमेंट की तरफ आएंगे तो इसके डिप्लॉयमेंट के कुछ फेजेस हैं. द फर्स्ट फेज इज वी नीड टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट. अब हमारे पास जितने भी सीए हैं यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं लाइक क्लाउडफ्लेयर है, गोडेडी है, बाकी के वेंडर्स हैं, ये हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. लेकिन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से पहले हमें इनको रिक्वेस्ट सबमिट करवानी पड़ेगी एंड दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड CSR, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट. अब मेरी वेबसाइट का कोई नाम होगा, मेरी कंपनी का कोई नाम होगा, मुझे कोई इंक्रिप्शन के लेवल्स रिक्वायर होंगे. सो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स एक रिक्वेस्ट की कंडीशन में मैं अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सेंड कर दूंगा. सो ये हमारे पास आएगा फेज वन. जैसे ये फेज वन कंप्लीट होता है और मैं अपनी CSR की रिक्वेस्ट अपने वेंडर को दे देता हूं सो वो इन रिस्पॉन्स मुझे एक सर्टिफिकेट एलोकेट कर देता है. या फेज हमारे पास टू आ जाता है. इन दैट फेज वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द सर्टिफिकेट्स. अब इस सेकंड फेज के अंदर हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद तीसरे फेज के अंदर हम उस सर्टिफिकेट को अपनी वेब सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट कर देंगे. नाउ आफ्टर द इंटीग्रेशन हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था हमारा वो अब इंक्रिप्टेड हो गया है या नहीं, यानी हम HTTP से माइग्रेट करके HTTPS की तरफ चले गए हैं या नहीं. ठीक है. सो ये तमाम फेजेस हैं. इन तमाम फेजेस की डिप्लॉयमेंट के बाद हमारे पास जो SSL है वो प्रॉपर वे में वर्किंग कंडीशन में आ जाता है. सो हम सारे एनवायरमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि हम लिनक्स एनवायरमेंट के अंदर CSR कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम विंडोज के एनवायरमेंट के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं, या इसके अलावा CSR जनरेट करने के मजीद कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. थैंक यू वेरी मच.